Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current affairs MCQ session of 17th May, हम कल के home assignment को सबसे पहले discuss करेंगे. आपका कल का question था, who becomes 15th Chief Minister of Assam? कौन बन गया है 15वें Chief Minister Assam के? आपके option है, M.K. Stalin, option B. Himanta Biswa Sarma, option C. P.S. Goloi, option D. None of this. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमंता बिस्वा सरमा. जो हिमंता बिस्वा सरमा है उन्होंने स्वान इन किया है 15 चीफ मिनिस्टर के तौर पे असम का. उन्होंने रिप्लेस किया है सर्बानंद सोनोवाल को. दोनों ही बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट है. अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे. तो बेस्ड ऑन आर्टिकल 164 के अनुसार जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को. असम के कैपिटल दिसपुर है और गवर्नर जगदीश मुखी. तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था. और पीएस गोलई चीफ मिनिस्टर है सिक्किम के. नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 17th मई. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डीओलाइट रैंकिंग विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर. जो डीओलाइट का रैंकिंग है उसके अनुसार कौन सा कंपनी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर है? आपके ऑप्शन है, कूपंग, ऑप्शन बी रिलायंस रिटेल लिमिटेड, ऑप्शन सी वॉलमार्ट इंक्लूसिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कूपंग. तो 2021 का रैंकिंग है ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेज का डीओलाइट के द्वारा. इसमें साउथ कोरिया की कंपनी है कूपंग, जो कि वर्ल्ड का पहला फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर है. मिलेनियर मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है उसका रैंक सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर है वर्ल्ड में, जो कि वन रैंक डाउन है इसके 2020 के रैंकिंग से. 2020 में इसका रैंक पहला था रिलायंस रिटेल लिमिटेड का. इस बार कूपंग है फर्स्ट पोजीशन में. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तो डीओलाइट का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है. इसके ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुनीत रंजन है. रिलायंस रिटेल लिमिटेड ये एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का. इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है. इसके फाउंडर मुकेश अंबानी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच बैंक इन पार्टनरशिप विद सीएससी लॉन्च ए चैटबॉट ईवीए फॉर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स. किस बैंक ने पार्टनरशिप करके सीएससी के साथ लॉन्च किया है चैटबॉक्स ईवीए को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए? आपके ऑप्शन है, आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक. जो एचडीएफसी बैंक है उसने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रहे एक चैटबॉक्स जिसका नाम है ईवीए सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे, ताकि वो सपोर्ट कर सके विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये प्रोवाइड करेगा बैंकिंग सर्विसेज को लास्ट माइल रूरल कंज्यूमर्स के लिए. ईवीए चैटबॉट की मदद से जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम कर सकेंगे, एक्सेस कर पाएंगे ट्रेनिंग कंटेंट को, क्विज को बिफोर गेटिंग सर्टिफिकेशन के पहले. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. एचडीएफसी बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है. इसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है. आईसीआईसी बैंक के सीईओ संदीप बख्शी है. आईसीआईसी बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है. एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है. इसके सीईओ अमिताभ चौधरी है. फाउंड किया गया था एक्सिस बैंक को 1993 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिसेंटली विच कंट्री ओपन दी पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज नेम 516 ओरोका. अभी हाल ही में किस कंट्री ने ओपन किया है पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है 516 ओरोका? तो क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी फ्रेम किया जा सकता है कि रिसेंटली इन न्यूज 516 ओरोका अपीयर, ये है क्या? तो ये आपका पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है, किस कंट्री ने ओपन किया है तो ये हमको जानना है. आपका ऑप्शन है, पोर्टुगल, ऑप्शन बी नेदरलैंड, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोर्टुगल. तो पोर्टुगल है, उन्होंने ओपन किया पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज को जिसका नाम है 516 ओरोका नॉर्थन पोर्टुगल पे. ये जो 516 मीटर लॉन्ग ब्रिज है इसको बिल्ड किया गया है ओरोका जियो पार्क के द्वारा, जो कि सस्पेंडेड है 125 मीटर अबव पाइवा रिवर के. ये जो ब्रिज है इसको बिल्ड किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एनर्जी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एज ए टूरिस्ट एट्रैक्शन के तौर पर ओरोका रीजन के लिए. ये जो है लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है यूरोप का, जो कि सरपास कर गया 494 मीटर चार्ल्स कॉन ब्रिज को स्विट्जरलैंड का, जिसको कंप्लीट किया गया था 2017 पे. बागलुंग पार्बत फुट ब्रिज जो है जो कि नेपाल में आपका, जिसका लेंथ 567 मीटर है, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है. तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? तो बागलुंग पार्बत फुट ब्रिज, जो कि आपका नेपाल पे है. और कितना लेंथ है इसका? 567 मीटर. अब हम 516 ओरोका के बारे में जान लें. तो जो वॉकवे है वो बना हुआ है 127 इंटरलॉकिंग मेटल केजेस से. जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्क्रीट टावर है, जो कि एक इन्वर्टेड ए शेप मार्क का है लैंडिंग पॉइंट ब्रिज का, जो सपोर्ट कर रहा है टू स्टील सस्पेंशन केबल को, जो सपोर्ट करता है स्टील वॉकवे को. एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन हम उसको समझेंगे, तो जो 526.14 मीटर लॉन्ग ग्लास बॉटम ब्रिज है चाइना का, उसको कंप्लीट किया गया था 2020 में. ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज है. तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज अगर पूछते हैं तो चाइना में है. उसका लेंथ कितना है? 526.14 मीटर. अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करने जा रहे हैं. तो पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट मार्केलो रिबेलो डी सोजा,
नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडम, करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे, नेपाल का पीएम केपी शर्मा ओली, कैपिटल काठमांडू, करेंसी इंडियन रूपी, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हु पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया साइड इन इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर मीटिंग 2021. किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर मीटिंग 2021 में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन से पीयूष गोयल, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी. तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर मीटिंग 2021 का था उसमें, जो कि हाइब्रिड फॉर्मेट में पोर्टो पोर्टुगल पर ऑर्गेनाइज किया गया था. यह पहली बार एक यूरोपियन यूनियन ने होस्ट किया एक मीटिंग को, जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन प्लस 27 फॉर्मेट में हुआ था. होस्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल मिस्टर एंटोनियो कोस्टा के द्वारा. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में वर्चुअली. जो लीडर थे 27 यूरोपियन मेंबर स्टेट के मिले थे पोर्टो पोर्टुगल पे. इस मीटिंग में दोनों साइड जो थे इंडिया यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने लॉन्च किया था कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को, साइन किया था फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट को फंड करने के लिए जो सेकेंड ट्रेंच है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, जिसका लागत है 150 मिलियन यूरो का. मेजर इवेंट क्या था, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एग्री हो गया है कि वो फिर से रिज्यूम करेंगे टॉक को कम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि 8 ईयर के गैप के बाद हो रहा है. इसके पहले इंडियन यूरोपियन यूनियन के मीटिंग में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अनाउंस किया था 3 न्यू मेजर्स ताकि वो सपोर्ट कर सके इंडिया के कोविड-19 रिकवरी प्रोग्राम को. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB के प्रेसिडेंट वर्नर होयर है, हेडक्वार्टर इसका क्रिचबर्ग लक्समबर्ग में है. प्रकाश जावड़ेकर, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं. पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु वर्चुअली रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दी थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल 2021. किसने वर्चुअली रिप्रेजेंट किया है भारत को तीसरे आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल ASM3 2021 में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन. जो यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस डिपार्टमेंट को संभाल रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने वर्चुअली रिप्रेजेंट किया है भारत को तीसरे आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल ASM3 जो 2021 का था उसमें, जो कि आपका टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज हुआ था. इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया आइसलैंड और जापान के द्वारा मिलकर. जो ASM3 है 2021 का, ये पहला मीटिंग है जो कि एशिया पे हुआ है. जो थीम है 2021 का, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक. ASM एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पर डिस्कस किया जाता है रिसर्च और कॉपरेशन को लेकर आर्कटिक रीजन का. ये एक इवेंट है जिसको इनिशिएट किया गया था आर्कटिक काउंसिल के द्वारा हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम के तौर पर. इंडिया का जो विजन है और लॉन्ग टर्म प्लान है आर्कटिक रीजन को लेकर, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने शेयर किया है इंडिया का विजन और लॉन्ग टर्म प्लान को रिसर्च और वर्क कॉपरेशन को लेकर आर्कटिक रीजन का. इंडिया जो है वो लॉन्च करेगा निशान नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को कोलैबोरेट करते हुए यूएस के साथ, ताकि वो कनेक्ट कर सके ग्लोबल मेजरमेंट काउस कंसिक्वेंस लैंड सर्फेस सेंस का एडवांस रडार इमेजिंग की मदद से. इंडिया का जो रिसर्च एक्टिविटी है आर्कटिक रीजन में वो कोऑर्डिनेट और कंडक्ट किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है. इसका परमानेंट रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में, जिसका नाम हिमाद्री है, जो कि आपका स्वालबर्ड नॉर्वे पे लोकेटेड है. आर्कटिक काउंसिल ये एड्रेस करता है इश्यू को जो कि फेस किया जाता है आर्कटिक गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिजिनस पीपल के द्वारा आर्कटिक. इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में. इसके मेंबर्स कंट्री 8 है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस. ऑब्जर्वर स्टेट 13 है. इंडिया को 2013 से ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था. उसके अलावा जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नेदरलैंड, सिंगापुर और साउथ कोरिया. आर्कटिक काउंसिल को जो चेयर कर रहे हैं 2019 से 2021 के लिए, वो आइसलैंड कर रहा है. इसका हेडक्वार्टर जो है ट्रॉम्सो नॉर्वे पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल फॉर कोविड-19 डिटेक्शन फ्रॉम चेस्ट एक्सरे. किसने डेवलप कर लिया है AI टूल को कोविड-19 डिटेक्शन के लिए चेस्ट के एक्सरे के माध्यम से? आपको ऑप्शन है ICMR, ऑप्शन बी CDAC, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी DRDO. जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, उसका जो CAIR डिपार्टमेंट है, उसने मिलकर 5C नेटवर्क एंड SCG एकेडमी के साथ मिलकर डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को, जिसका नाम है आत्मन AI फॉर कोविड-19 डिटेक्शन के लिए चेस्ट एक्सरे के माध्यम से. ये जो आत्मन AI है, हम इसके बारे में समझेंगे. जो टूल है वो मदद करेगा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने में रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग को, जो कि इंडिकेटिव है कोविड-19 का सेकेंड फेज में, और इनेबल करेगा फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट को कि वो मोर इफेक्टिवली टेगेट करे केस को, स्पेशली इमरजेंसी एनवायरमेंट में. ये जो टूल है वो यूज किया जाएगा वाइडली इसके फीचर्स के कारण, जो फास्टनेस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इफिशियंसी के कारण. जो आत्मन AI है उसको यूज किया जाएगा चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान. वो शो करता है एक्यूरेसी रेट 96.73% का.
ये काफी यूजफुल टूल है, स्पेशली स्मॉलर टाउन्स के लिए हमारे कंट्री के, जहाँ पे आसान नहीं है सिटी स्कैन कराना। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो डीआरडीओ को फाउंड किया गया था 1958 में, इसके चेयरमैन जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये अपेक्स बॉडी है भारत का, जो कि फॉर्मुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड का, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। फाउंड किया गया था 1911 पे, इसके डायरेक्टर जो है बलराम भार्गव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माई फ्लावर 400 वाज बिल्ट बाय द मैराइन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर इन कोलेबोरेशन विद होम। जो मई फ्लावर 400 है, इसको बिल्ड किया गया है मैराइन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर के द्वारा। इसके लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी आईबीएम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आईबीएम। जो वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, जिसका नाम है मई फ्लावर 400, तो पूछा जा सकता है कि मई फ्लावर 400 क्या है? तो वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, जो कि नेविगेट करेगा अक्रॉस अटलांटिक पे। ये एक अनमैन वेसल है और इसको फ्यूल्ड किया गया है मैराइन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर के द्वारा। इसके लिए कोलैबोरेशन किया गया है आईबीएम के साथ। तो किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट बिगिंस इट्स ट्रांसलैंटिक वॉयज, इसने अपना ट्रांसलैंटिक वॉयज को मई 15, 2021 को स्टार्ट किया था, ताकि ये ट्रैक कर सके एक्वेटिक मैमल को, एनालाइज कर सके प्लास्टिक को वाटर पर, स्टडी कर सके मैराइन पॉल्यूशन को। जो मई फ्लावर 400 है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोनोमस शिप है। ये 15 मीटर लॉन्ग प्राइमेन है, जिसका वेट 9 टन है। ये पावर किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और सन एनर्जी से, सोलर पैनल की मदद से। करेंटली शिप को जो है ट्रेंड किया गया हैंडल करने के लिए 50 मीटर हाई वेट को। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम कॉर्पोरेशन जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी कंपनी है। इसके सीईओ अरविंद कृष्णा है, हेडक्वार्टर इसका आर्मोंग यूएसए पे है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1975 में। इसका हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट का रेडमोंड वाशिंगटन यूएस में है और फाउंडर बिल गेट और पॉल एलन। टेस्ला को फाउंड किया गया था 1 जुलाई 2003 में। इसके सीईओ इलॉन मस्क है, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज सेट टू लॉन्च द डॉग 1 सैटेलाइट टू द मून इन 2022। कौन लॉन्च करने जा रहे हैं डॉग 1 सैटेलाइट को मून के लिए 2022 में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स तैयार है कि वो लॉन्च करेंगे डॉग 1 सैटेलाइट को मून के लिए 2022 में। ये जो है एक्सेप्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन को फुल पेमेंट के लिए इस मिशन का। ये पहला एवर कमर्शियल लूनर पेलोड होगा हिस्ट्री का, जिसको कि पे किया जा रहा है इंटायरली क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। ये जो सैटेलाइट है, इसको डेवलप किया गया है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा और इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। जो क्यूबिक सैटेलाइट है, वो ऑब्टेन करेगा लूनर स्पेशल इंटेलिजेंस को सेंसर और कैमरा की मदद से, जो कि इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम करेंगे। डॉग कॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है, जिसको इन्वेंट किया गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पालमर के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ग्लोबली अभी ये फोर्थ लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी बन गया है। पहले नंबर पर आपका बिटकॉइन है। अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करेंगे। स्पेसएक्स, इसके सीईओ इलन मस्क है, हेडक्वार्टर का कैलिफोर्निया यूएस में है। नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। फाउंडर डीवाइट टी एल्सनवर, फाउंड किया गया था 29 जुलाई 1958 को और इसके एडमिनिस्ट्रेटर स्टेफ जुकरिक्स है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक पे है। फाउंडर जो थे इसके विक्रम साराभाई। फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को। इसके प्रेजेंट डायरेक्टर के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु एक्सटेंडेड द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका आइडियल फाइनेंस टू सितंबर 30, 2021। किसने एक्सटेंड कर दिया जो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था श्रीलंका आइडियल फाइनेंस के लिए सितंबर 30, 2021 तक? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन सी एलआईसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। कोविड 19 के कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने बढ़ाया है अपने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को तीसरा और फाइनल ट्रेंड के लिए, जो वो एक्वायर कर रहे थे शेयर आइडियल फाइनेंस लिमिटेड का एक्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग से सितंबर 30, 2021 तक इसको कर दिया गया है। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज, जिसका एक क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिश शाह है, वाइस चेयरमैन और एमडी रमेश अय्यर है। आइडियल फाइनेंस लिमिटेड, इसका एस्टेब्लिशमेंट मार्च 2012 में हुआ था। इसके चेयरमैन नलिन वेगन मामा है, हेडक्वार्टर इसका कोलंबो श्रीलंका में है। इसके डायरेक्टर सीईओ दुमिंदा वीरसावकर है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके सीईओ मुकेश अंबानी है, फाउंडर धीरूभाई अंबानी। फाउंड किया गया था 8 मई 1973 को, हेडक्वार्टर मुंबई पे है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन एमआर कुमार है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, किनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में आरबीआई के? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है टी रविशंकर, ऑप्शन बी जोश जे काटूर, ऑप्शन सी आदिल जैनुल भाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जोश जे काटूर।
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है जोस जे कातुर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में। वो सर्व करेंगे रीजनल डायरेक्टर के तौर पर कर्नाटका के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस में आरबीआई के। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थे टी रविशंकर का अपॉइंटमेंट हो गया था फोर्थ डिप्टी गवर्नर के पोस्ट में, इस कारण किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे तो आदिल जैनुल भाई जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, तो फॉर्मर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ जो थे आदिल जैनुल भाई उनको अपॉइंट किया गया रिसेंटली चेयरमैन के तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। हु वॉज अपॉइंटेड एट द सीएमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किनको अपॉइंट किया गया सीएमडी के पोस्ट में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है डी राजकुमार, ऑप्शन बी मल्लिका श्रीनिवासन, ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।